क्रिकेट से जुड़े शानदार वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक हार नहीं माननी चाहिए। टीम इंडिया का हिस्सा बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन मयंक अग्रवाल ने दिखा दिया कि मेहनत के दम पर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। साल 2011 में अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले मयंक को साल 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेलने का मौका मिला। नीली जर्सी तक पहुंचने में घरेलू क्रिकेट के साथ साथ उनके आईपीएल करियर की भी मुख्य भूमिका रही। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको मयंक अग्रवाल के आईपीएल करियर की उन पारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का सफर तय कर पाए। साल 2015 का आईपीएल मयंक ने दिल्ली टीम के लिए खेला था। किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला गया यह मुकाबला दिल्ली ने एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया था। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए थे। इसके जवाब में मयंक और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने 14 ओवर में ही इस मैच को खत्म कर दिया था। मयंक के बल्ले से 52 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली थी। वैसे तो मयंक अग्रवाल को उनकी संभली हुई बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सभी को मयंक का तूफान देखने को मिला। जब पंजाब 177 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहा था तब मयंक ने 21 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली और साथ ही अपनी टीम की जीत में मुख्य भूमिका भी निभाई। आईपीएल 2019 में ही मयंक के बल्ले से एक और तूफानी पारी देखने को मिली, लेकिन इस बार वे अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। कोलकाता ने पंजाब को जीत के लिए 219 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में पंजाब की टीम 190 रन ही बना पाई। इस मैच में मयंक ने 34 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली थी। साल 2015 में मयंक ने अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी। मयंक ने दिल्ली टीम के लिए पंजाब के खिलाफ 68 रनों की बड़ी पारी को अंजाम दिया था। पंजाब ने 165 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली ने 169 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।